This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello friends, I'm Dr. Harleen and I'm here today to tell you about your signatures. आज मैं आपको आपके signatures के बारे में बताऊंगी कैसे signatures से आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ की कमी है, सपोज सपोर्ट नहीं मिल रहा, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, या आप ग्रो करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहा, तो जस्ट वॉच योर सिग्नेचर्स। आप सिग्नेचर से बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं बिकॉज सिग्नेचर एक ऐसी चीज़ है जो यूनिक है। आपका नाम और आपका सिग्नेचर इज़ योर आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी है। तो जब आप कोई साइन करते हैं वो आपको शो करता है, इट्स योर आइडेंटिटी, ये सिग्नेचर। हम बोलते हैं ना, ये सिग्नेचर उस एक्टर का है, ये सिग्नेचर है, उसको देख के हम एक पर्सन की पर्सनालिटी को शो करते हैं। सिग्नेचर अपने आप में यूनिक है, एक ऐसा पब्लिक फेस जो आपको रिप्रेजेंट करता है। तो सिग्नेचर्स कैसे होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ लाइक सिग्नेचर्स के ऊपर बहुत एक स्टडी है। आई एम अ सिग्नेचर रीडर एंड आई एम ट्रेनिंग पीपल। सिग्नेचर्स को हम रेक्टिफाई भी करना बताते हैं, हाउ टू क्योर, लाइक अगर कोई सिग्नेचर में प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी, अपना सिग्नेचर कीजिए सबसे पहले तो अपने सामने। कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि हम दो सिग्नेचर करते हैं, दो साइन करते हैं, तो दो नहीं होने चाहिए, डबल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए, देर शुड बी जस्ट वन सिग्नेचर, एक ही होना चाहिए। तो सिग्नेचर कीजिए सबसे पहले और जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उनको देखिए, क्या वो आपकी लाइफ में है और क्या आप उनको चेंज करना चाहते हैं। सबसे पहला वर्ड देखिए, फर्स्ट लेटर इन योर सिग्नेचर। पहला लेटर कैसा है? इट हैज़ टू बी कैपिटल। आपने अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कोई काम कर रहा है या कोई जॉब में है तो प्रमोशन मिलने में प्रॉब्लम आएगी, या फिर उनके मन में यही रहेगा कि हमें ग्रोथ चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाएगा। सो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आप देखिए, यूजुअली जो लोग एस से लिखते हैं नेम, एस लेटर वाले छोटा लिखते हैं, एस स्मॉल लिखते हैं, तो आपको पता है कि कैपिटल लिख रहे हैं या स्मॉल लिख रहे हैं आप, तो स्मॉल नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW Delhi 6 में। ग्रैब डबल बोनांजा ऑफर, ऑफर वैलिड टिल 31st July 2020। हरी। द सेकेंड पॉइंट इज लेंथ। लेंथ कितनी है, आपका सिग्नेचर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। सिग्नेचर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लाइफ में स्ट्रगल सैक्रिफाइसेस बहुत रहते हैं, बहुत लंबा नहीं चाहिए हमें सिग्नेचर। जस्ट वॉच, देयर सो मेनी पॉइंट्स, लाइक बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है बट मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। सिग्नेचर के नीचे आप एक लाइन खींचते हैं, ओके, देयर इज एन अंडरलाइन, हाँ, सिग्नेचर के नीचे, तो वो कहाँ से शुरू हो रहा है ये आपको देखना। अगर सिग्नेचर में आप लाइन नहीं खींचते हैं दैट मीन्स आपकी लाइफ में सपोर्ट नहीं है, आप अकेले काम कर रहे हैं, आपको कोई हेल्प नहीं करता, आप अकेले करते हैं, तो इसको आपको वॉच करना है, देयर शुड बी अ लाइन। आपको ये देखना है आप सिग्नेचर में डॉट कितने लगाते हो, दी लास्ट डॉट, अगर एक डॉट लगाते हो या दो डॉट लगाते हो, आपको दो डॉट्स नहीं लगाने हैं, जस्ट वन सिंगल डॉट या फिर नहीं लगाइए, ओके। डॉट रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबल, नाउ इट्स स्टेबल, जो भी आप कर रहे हो वैसा ही है। अगर आप दो डॉट लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, देयर शुड बी जस्ट वन लाइन, दो लाइन नहीं होनी चाहिए। तो अपना सिग्नेचर आप साथ साथ देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब साइन कर रहे थे तो आप पीछे देखिए, पेपर को टर्न कीजिए एंड जस्ट उसके ऊपर ऐसे फिंगर चलाइए और देखिए कि क्या पेपर के पीछे इंप्रेशन आ रहा है, आप फील कर पा रहे हैं अपना सिग्नेचर किया हुआ। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से आपने सिग्नेचर किया, बहुत ज़्यादा प्रेस करके लिखा है, और कई लोग बहुत लाइट लिखते हैं कि बिल्कुल लाइट, आप देखेंगे अगर आप उसके ऊपर भी टच करेंगे, नॉट जस्ट द बैक, अगर आप ऊपर भी टच करेंगे तो आपको फील नहीं होगा वो सिग्नेचर। तो जो लोग बहुत प्रेस करके लिखते हैं ना, दे आर इंट्रोवर्ट,
अपने मन में रखते हैं, बात बाहर नहीं निकालते, मन में रखते हैं, इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करते ज़्यादा, अपने मन में रखेंगे। और जो बहुत लाइट सिग्नेचर करेंगे दे आर एक्सट्रोवर्ट, वो जो भी मन में होगा वो बोल देंगे। तो आप देखिए कि आपको क्या चाहिए, आपको इंट्रोवर्ट होना है या एक्सट्रोवर्ट होना है, दैट्स योर चॉइस। तो वैसा सिग्नेचर कीजिए। देन सिग्नेचर में फ्लो, कितना फास्ट लिखते हैं, लाइक फास्ट या बहुत धीरे। लोग बहुत फास्ट सिग्नेचर करते हैं, उनको बहुत जल्दी डिसीजन लेने की हैबिट होती है, दे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। और जब बहुत फास्ट लेंगे ना तो कभी कभी कुछ गलती होने का रिस्क होता है। तो आपको देखना है कि आपको बहुत फास्ट डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आप इसको चेंज कर दीजिए, ओके। और अगर कोई बहुत स्लो लेता है तो दे आर वेरी स्लो थिंकर्स, बहुत धीरे 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 सोच के कोई काम करेंगे, तो वो भी सही नहीं है। हमें बहुत फास्ट भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और बहुत स्लो भी नहीं लेना चाहिए। तो आपको वो देखना है कि आपको कैसे लिखते हैं आप। तो एज अ सिग्नेचर थेरेपिस्ट बहुत सारी चीज़ें मैं सिग्नेचर्स में देखती हूँ, मैंने सिग्नेचर से कई लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं। सम थिंग्स आर इंट्यूटिव ऑल्सो, इंट्यूशंस भी होती है, लाइक आई टेक क्लासेस फॉर टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम टेलीपैथिकली भी करते हैं, सिग्नेचर से टेलीपैथी भी होती है कि सिग्नेचर को देख के कैसा फील होता है। देयर सो मेनी रेमेडीज ऑल्सो टू चेंज द सिग्नेचर, बट अभी आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ उसको वॉच कीजिए, अपना सिग्नेचर सामने रखिए और देखिए क्या ये सब चीज़ें आप में हैं और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ओके। अगर सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा लूप है, लाइक जी को बहुत बड़ा लिखा लूप है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, तो आप सेविंग्स में बहुत विश्वास करते हैं, आप खर्च नहीं करेंगे, आप सेव करते रहेंगे, आपको लगेगा कि मुझे बचाना है, मुझे सेव करना है, ओके। तो ये चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज कुछ लोग सेव करते रहते हैं बट वो अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर पाते, दैट्स नॉट अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर एवरीवन। हाँ, तो इसको आप देखिए, तो आप छोटा लिखिए, जी को बहुत लंबा नहीं। और जो लोग बहुत लेंथ में लिखते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, स्ट्रगल के बाद काम होता है, स्ट्रगल उनको करना ही पड़ता है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स के बाद उनका वो काम होगा। सो वॉच योर सिग्नेचर्स। सिग्नेचर रीडिंग एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसी साइंस है, आप ये देखिए कि ऐसी मोडालिटी है जिससे आपके सिग्नेचर्स रीड करने के बाद आपके बारे में तो पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पता चलती हैं जो हम ठीक करना चाहते हैं। लाइक एयरपोर्ट पे सिग्नेचर रीडर्स होते हैं, जब कोई ऐसा कोई क्रिमिनल केस है या किसी को अगर वो अरेस्ट करते हैं तो दे रीड सिग्नेचर। सिग्नेचर को देख के भी पता चल जाता है कि वो पर्सन कैसा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। सिग्नेचर आपकी पर्सनालिटी को शो करता है, तो बिना कुंडली के, बिना डेट ऑफ बर्थ के सिग्नेचर से बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दिया मैंने आपको, बताया कैसे आप सिग्नेचर्स को अपने कीजिए। तो आपको ये छोटी छोटी सी चार पांच जो पॉइंट्स बताए इनको ध्यान रखिए। आगे नेक्स्ट वीडियोस में विद पिंकिश मैं बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी वॉच कर सकते हैं, लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आर देयर। पिंकिश को मैं थैंक करती हूँ, इतना अच्छा जो इनिशिएटिव है, दे आर डूइंग वेरी नाइस, वेरी गुड। और आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू, बिकॉज अगर आप हैं तो हम आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। तो इट्स अ ग्रैटिट्यूड, जितना हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं, जितना हम थैंक करते हैं, सो इट्स ऑल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, हमारी एनर्जीज ट्रांसफ़र होती है, एनर्जीज हमारी एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस एट 8010908888. Thank you.